My friend, you fashion your vision very deeply. ये हमारा रात में भिगो के रखा हुआ दालचीनी का पानी, उसमें थोड़ा अजवाइन है भी, वो हम उस कबूतरों को देखे हुए यहाँ पे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम ये पानी बाहर ले लेते हैं। तो ये पानी हम यहाँ पे बाहर ले लिया है, इसको छाल के निकालेंगे पूरा। ये हमने पानी जितना हो सके उतना ले लिया है। थोड़ा बचा है तो हम वो ऐसे। तो दोस्तों ये पट्टा लेके आए, हम इसको पानी पिलाएंगे। ये इसका पल्ला देख लो, ये पल्ला ऐसे है, ये आपको दिख रहा है। तो ये इसकी दुम, सिंगल दुम है, ये ऐसे दुम है इसकी। और ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर अभी बहुत बेहतर है। ये कबूतर का कलर मुझे बहुत पसंद आया है, आपको भी शायद पसंद आ जाएगा। और ये इसका ये बहुत बेहतरीन उड़ने वाला कबूतर है। और ये सामने से भी देख लो, इसकी आँख, दोनों भी आँखें एकदम बेहतर है। और 360 एंगल वाली जो आँखें है जो बाहर निकल आती है, बल्ब के माकर जो बोलते हैं वो हिसाब से। और इसके गर्दन पे जो कलर है वो भी बहुत बेहतर है। अभी इसको पानी पिलाएंगे तो कबूतर को ऐसे पकड़ के तब इसको पानी पिलाना है। पानी पिलाते समय ये थोड़ा हड़बड़ी कराएगा तो, लेकिन उसको एकदम सही से पकड़ना है, इसको ज़्यादा हिलने देना नहीं। और इसके अंदर सिरिंज डाल के थोड़ा पानी पिला देना है। और जैसे पानी पिला देंगे तो इसके पोट में थोड़ा ये दिखेगा और इसको अंदर छोड़ देंगे। ऐसे हम एक एक करके सब बच्चों को पानी पिला के अंदर छोड़ेंगे धूप सेकने के लिए। ये और एक पट्टा लेके आए, इसका ये पल्ला है, देख लो पल्ला। और इसका कलर भी देख लो, कलर भी अच्छा है। और इसकी लंबी गर्दन है, ये देख लो सामने से। और इसको थोड़ा पानी पिला देते और इसको अंदर छोड़ देते। पानी पिलाने के बाद कबूतर धूप में सोखे में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कई लोग ये अभी सभी बच्चों को पानी पिला के अंदर छोड़ दिए, अभी इनको धूप सेकने हैं तो बाद में इनको उतार देंगे।